2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के कांस्य विजेता विजेंद्र सिंह के रायपुर आगमन पर होटल ग्रैंड इंपीरिया में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने स्मृति चिन्ह और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नवम्बर में होने वाले बॉक्सिंग स्पर्धा के बारे में बॉक्सर विजेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने जानकारी दी। इस मौके पर विधायक देवेंद्र यादव, हिमांशु द्विवेदी, अनिल पुजतकर समेत खेल संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज रायपुर में हम आए थे, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उनको प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में बताया और हम बॉक्सिंग को कैसे डेवलप करते हैं, कर सकते हैं इस प्रदेश में, तो इस बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल मुक्केबाजी का मुकाबला है वो हमारे रायपुर में रखिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो फाइनली कहते हैं हमारी जो प्रोफेशनल मुक्केबाजी है वो रायपुर में होगी और आने वाले 2 महीनों में यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का एक मुकाबला होगा जो कि छत्तीसगढ़ के जो युवा साथी उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात रहेगी कि स्पोर्ट्स में रह के बहुत अपना अच्छा नाम कमा सके। जी बहुत संभावनाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ के बॉक्सर हैं, स्पेशली जो युवा पीढ़ी है जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। जो उनकी डाइट है, जो उनका खान पान है भी देसी है और मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम पे छत्तीसगढ़ कहते हैं एक स्पोर्ट्स हब बनेगा। जी खबरों में कहते बने रहना चाहिए, खबरों में रहना अच्छी बात होती है। जी वो तो आप कहते सीएम साहब से पूछिएगा, वो बताएंगे, इसका जवाब अच्छी तरह देंगे। आप भी राजनीति में आ चुके हैं, जब कोई कहते जब हम सीएम बन जाएंगे तो इसका जवाब बड़े अच्छी तरह से देंगे, चिंता मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के से मुलाकात, सौजन्य मुलाकात कर आज ये पहुंचे थे रायपुर में और ओलंपिक संघ को जब जानकारी मिली तो उनका स्वागत करने का हमने निर्णय लिया और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने खेल संघ के पदाधिकारी हैं और बास्केटबॉल के लोग हैं, बॉक्सिंग वाले हैं, इन सब ने मिलकर आज उनका अभिनंदन किया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में उनका आने वाला समय बहुत अच्छा हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करता हूं जिनके प्रयास से ऐसे ऐसे हीरे जो छत्तीसगढ़ को देखने को मिल रहे हैं, जो जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि बॉक्सिंग का एक आयोजन यहाँ पर होगा जो अगले महीने होने जा रहा है। देखिए उन्होंने कहा ही है कि मुख्यमंत्री जी से उनकी सौजन्य मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति रुझान आप लोगों को पता ही है, निश्चित रूप से बॉक्सिंग के अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले।